हमारे जिले का माहौल बदल दो। तीन कृषि बिल से शुरुआत हुई, कोल्लू में बैठे, कोल्लू है ना मनीष भाई, कोल्लू में बैठे, चारों तरफ कोल्लू है भाई। एक बात बताओ, सारे किसान बैठे हैं, मुझे नहीं लगता किसान से लगे भी हो, कुछ मजदूर कुछ किसान। हमारे जिले में गुड़ मंडी देने भी कोई मंडी है क्या भाई? गुड़ मंडी, सब्जी मंडी, दो मंडी हमारे जिले में, कोई और मंडी हो तो बता दियो। सब्जी मंडी तो पहले ही बात थी, सब्जी मंडी पे कोई टैक्स नहीं लगता, गुड़ मंडी में 2.5% टैक्स को लोग देगा करो थे, नहीं देगा करो थे भाई? जब ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ के चलो थे तो रिश्वत बॉर्डर पर देनी पड़ती नहीं पड़ती? अगर मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया कि हम तक को लोमत जोड़ो, को लोमत है ट्रैक्टर ट्रॉली, और हरियाणा में जी कर हरियाणा में बेचो, दिल्ली में जी कर दिल्ली में बेचो, राजस्थान में जी कर राजस्थान में जाओ, कोई टैक्स नहीं, कोई रिश्वत नहीं, तो क्या मोदी जी ने गलत कर दिया भाई? बताओ भाई, तो गलत करा मोदी जी ने इस काम को? यह है एपीएमसी एक्ट, मंडी पते 2.5% शुल्क का मर्जी है किस बाबा जी के कह करते हैं कि इस देश में व्यापारी को अपना माल बेचने का अधिकार है जहां चाह जिस प्रदेश में चाह, किसान को अपना उत्पाद बेचने का अधिकार क्यों नहीं है? बाबा जी कह करते हैं, यह बात मैं नहीं कहता, बहुत बड़े थे आदमी थे, उन्होंने कहा। और आज जब मोदी जी ने अधिकार दिया कोई कहीं भी बेचो, तो इसमें गलत क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बतावे कह, किसान की जमीन हड़प ली जाएगी मोदी जी के रखते, योगी जी के रखते? अरे भाई, हमारे नेताओं को तो आपके पीछे कोई औलाद भी नहीं है, किसे देके जाएंगे? तुम अपनी सोच के देखो, जो खा खा के धरे पेट भर के, ना मोदी जी के पीछे कोई और ना योगी जी के पीछे कोई, ये दोनों गरीब परिवारों के ऊपर है जी। और किसान की जमीन की तरफ कोई आंख उठा के देख ले, उसकी आंख फोड़ देंगे जो किसान की जमीन की तरफ आंख उठा के देख लेगा। भला किसकी हिम्मत है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई है जो हम तुम कर रहे शुगर मिल के साथ, अब शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट करें, 1000 क्विंटल गन्ना देंगे बॉन्ड भरे, और भाई 325 का रेट लेंगे, है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। गन्ने के अलावा और फसलों में भी करना चाह रहे मोदी जी, भाई कानून। फिर भी मैं एक बात कहता हूं, किसान हमारे अपने, किसी को कोई भी बात है, 12 दौर की बातचीत पहले चली, फिर बात होंगी, किसानों से बात होगी, बिल्कुल होंगी, वे हमारे अपने, अगर कोई नाराज है मनाओगे हम उसे, कोई दिक्कत नहीं। परिवार के लोग भी नाराज होते हैं, उन्होंने सरकार बनाई, अगर कहीं भी किसी में कोई नाराज की, हम सबका हाथ जोड़ने के लिए मनाने के लिए सबको तैयार है। पर ये जो विपक्षी पार्टी वाले गिद्ध घूम रहे ना हेलीकॉप्टर में, कांग्रेस सपा और राष्ट्रीय पार्टी, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने कल बड़ौद से बयान दिया, बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, नाम भी राष्ट्रीय लिख रहा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाजपा वालों को बाहर काटो। अरे भाई, 2019 में लड़के देख लिया, 22 में ले लियो, 24 में ले लियो, नाई के बाद कॉन्ट्रैक्ट जजमाना कर जाएंगे? या कोई भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, या तो आम हर आदमी की पार्टी है जो इस प्रदेश को बेहतर देखना चाहता है, जो इस देश को बेहतर देखना चाहता है, जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, या तो उस मोदी जी की पार्टी है। विपक्षी दल बात नहीं उठाएंगे, जो किसान की समस्या है आपका भाई समझे, आपका भाई चाहे गन्ने का भाव हो, चाहे बिजली का रेट हो, हर बात अपनी सरकार के अंदर उठाता है। अरे भाई, एक बार फैसला कर लो, इन पे भी कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, पर एक बार यो रणा तो निबट जाए, जो हमारे भाइयों का आपस में चल रहा है किसानों, हम इस मामले को निपटाना चाहते हैं, और इस माध्यम से रुसाने के इस जनपद के हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। राजनीति करेंगे, 2 साल हो गया आपने दोबारा सांसद चुना, हर गांव में पार्टीबाजी थी, हर गांव में से वोट मेरे पक्षी को भी मिली, मुझे भी मिली, मैंने आज तक नहीं पूछा किसी से, जो मेरे पास आ गया किसी ने पूछा था किसकी वोट दी? आजा भाई, चुनाव खत्म हो गया, सबका सांसद भाई, जिसका जहां जी मारा वोट दियो, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है। जो हमारे से इस बार नाराज है वो अगली बार देगा, जो अगली बार अच्छा काम करेंगे उससे अगली बार देगा। पर भाई, इस राजनीति के चक्कर में आपसी संबंध खराब मत करो, भाईचारा बनाए रखो, समाज को तोड़ो। हम 5 अंगली थी, हमारी अंगली तोड़ दी गई थी इसी जिले में, और जब से 5 उंगली होकर कट्ठी मुट्ठी बनी,
किसी के औकात में मुक्के मार मार के बाहर कर दिए बदमाश हमने जिले तक। इसे दोबारा उड़ी को खुलो मत किसी के बकाए मार के। सबका सम्मान सबका मान जो अपनी बात रखे। मैं आमंत्रित करता हूं इस देश के सारे नेताओं को, सारे पक्षी नेताओं, मुजफ्फर की जनता के सामने अपनी बात रखो और दे तो आलिया जो बछड़े में भी आ जाओ, समझाओ जनता को अगर तुम्हारी बात ठीक है तो जनता तुम्हारी बात मान लेगी और हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। इन हेलीकॉप्टर नेताओं के ऊपर आशीर्वाद कभी नहीं रह सकता, कहीं नहीं रह सकता। संजीव बाजार जिस दिन से बने आपका विधायक यहां बैठा, आपका जिला पंचायत यहां बैठा, आपका प्रधान यहां बैठा, आपका सांसद यहां बैठा, मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, कोई गलत काम करने का वो नहीं किया। सब ये है इस क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर कैसे हो। ये मेरा परिवार है मुजफ्फर, इस परिवार के लिए बेहतर कैसे कर पाए और ये हमें बताऊंगे बाहर से आके। जो तीन चार साल में दो साल में एक बार आवे, सिर्फ जब वोटों की खेती ढूंढने के लिए आते हैं आपकी, अरे एक बार भी हारते रमी करके देखो, मुझे तो को पता लग जाएगा, पसीने आ जाएंगे जिप तड़के लिए रात को बढ़ोगे 50 भी हमें मेरे डाल करके। इन नेताओं ने जिंदगी में जितनी शादी नहीं करी, इतनी तो शादी में एक दिन में अटेंड करूं और जितनी तेरह में बनेंगे उतनी तेरह में एक दिन जाऊंगा। भाई मेरा क्षेत्र है, मेरे अपने लोग है, मेरे घर परिवार के लोग है, इनके बकाए में मत आओ, जिले का माहौल ठीक रखो। चुनाव बहुत दूर है, पहले सदस्यों ने क्या काम शुरू किया, कितना काम करवाया। ऐसा मेरा प्यारा बहुत ही प्यारा छोटा भाई अमनीश, 2014 में आपने मुझे सांसद चुना, कुछ जिम्मेदारियां दी, मेरा प्रयास रहा कि जनपद का माहौल थोड़ा बेहतर हो। हम मान सम्मान को मानने वाले लोग हैं जो फर्जी रहे, यहां जो एक अपमानजनक माहौल था, एक जो वर्ग विशेष का राज था, जो गुंडागर्दी थी, जो बदतमीजियां थी, उनका मुकाबला करने का प्रयास किया। 2017 में आपने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, मलिक साहब विधायक बने, एक मजबूत साथी एक मजबूत भाई मिला और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिला। मैं ये नहीं कहता कि हमने सब काम खत्म कर दिए, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं आपसे। ये नहीं कहता इस जनपद की सब सड़कें बहुत टॉप की होगी और जनपद की सड़क अमरीका जैसी होगी, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप बुढ़ाने के पास लुसाना गांव में आज हम बैठे हैं तो बुढ़ाने को सेंटर मानते हुए मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि याद करो, जब तक मैं सांसद नहीं बना था तो बुढ़ाने से खतुल्ली की सड़क कैसी थी, याद करो बुढ़ाने से मुजफ्फर की सड़क कैसी थी, याद करो मुजफ्फर से बड़ौद की सड़क कैसी थी, याद करो बुढ़ाने से शामली की सड़क कैसी थी और याद कर लो कि बुढ़ाने से मेरठ की सड़क कैसी थी। सारी सड़कें 2014 से पहले की एक बार याद करके और दिल पर हाथ करके दो कि संजीव भाई तक काम करा नहीं करा, भाजपा ने काम करा नहीं करा। हमसे पहले भी सरकारें रही हैं, हमसे पहले भी विधायक सांसद रहे हैं। मैं नहीं कहता किसी ने क्या काम करवा होगा क्या काम नहीं, किसी की आलोचना नहीं, लेकिन जिस तरह से मैं चैलेंज करके कह रहा हूं आपके सामने, चूंकि आप इस क्षेत्र के हैं, कि पहले आपकी सड़कों की हालत क्या थी और आज क्या है, तो अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। मैं नहीं कहता रामराज आ गया, रामराज नहीं आया, पर रामराज की तरफ दो कदम जरूर बढ़ गए। आज रात के टाइम जब हम घर में होते हैं विधायक या सांसद, तो रात के 11 बजे लुसाने से मोटरसाइकिल पर आदमी मुझे फिर पहुंच सके और नू कह सके मंत्री जी उठो बात करना है, कोई जरूरी बात थी। कई बार लोग आवे मैं पूछूं भाई रात के 11 बजे क्यों, कह ले तब ठंडी मिलो रात को, और एक चोरी चकारी का राजा का डर तो रहा नहीं, सोचा रात को चल पड़े। और यही वो जिला था 2014 से पहले कि जब मुझे फ्रेंडशिप भुगाने के लिए कहीं के लिए चला करते मेरे मलिक साहब, तो अंधेरा होने के बाद ना कार दिखाई देती और ना मोटरसाइकिल दिखाई देती, अगर कोई बाहर से आ जाता तो रास्ता बताने वाला आदमी था, दरवाजा नहीं खुला था जिले में किसी का। और आज किसी टाइम कहीं घूमू, आज कभी महीने दो महीने तीन महीने में कोई मोटरसाइकिल चोरी की खबर पढ़ू तो फोन करूं, खबर पढ़ के अखबारों के माध्यम से पता लगे कि भाई क्या हालत है। और पहले फ्रंट पेज खोटो मजा का दैनिक जागरण हिंदुस्तान अखबार का, चोरी डकैती राजनीति से शुरुआत होती, बलात्कार और हत्या पर बात समाप्त होती थी।
रामराज तो नहीं आया, पर रामराज की तरफ दो कदम जरूर बढ़िए। पहले क्या हालत थी थानों की, कौन लोग थाने चलाते थे आपके, बुढ़ाना थाना कितने लंबे लंबे बैठे रहे कर देवा। अरे हमारा गिल साहब बैठा, इनकी हिम्मत बैठने की नहीं होती, खड़े रहते बेचारे। और सुनो, पीटे भी थे और मुकदमे दर्ज हमारे पर होते, पिटना और मुकदमे दर्ज हमारे ऊपर होना, अपराधी बाहर और निर्दोष जेल के अंदर, ये जनपद की सच्चाई थी, ये जनपद के हालात थे। आज किसी की हिम्मत नहीं जो थाना चला सके, आज कानून के हिसाब से थाना चलेगा, जो ठीक होगा वही होगा, जो निर्दोष है वो बाहर रहेगा, जो दोषी है वो जेल में जाएगा। तो रामराज तो नहीं आया, पर थानों में इतना परिवर्तन, चार साल में हम एक बात है समस्या, हम भूल होता बढ़ गया। जब कोई सड़क टूटी रहे, हमारे विधायक जी को सबको मिलेंगे, भाई सड़क बनवाई, बनने के पीछे भूल जा गया पहले टूटी हुई भी थी। हम भूलते जा रहे कि हमें जिला में किस हालात में थे, हम भूलते जा रहे कि जिला किस परिवार के हाथ में था, हम भूलते जा रहे कि कितनी बुरी हालात इस जनपद की थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, कई बार हमारे पत्रकार महोदय, हमारे मीडिया वाले मुझे कहें यार वो दुआवे भाई, भाई भूलने नहीं देने का, याद दुलाऊंगा, बार बार दिलाऊंगा, वे बुरे और काले दिन याद दुलाऊंगा सबको, कि हालात में जनपद था और इस जनपद के आज के हालात है सबको याद दूंगा। दिल्ली में बैठे नेता, हेलीकॉप्टर नेता, पहले हेलीकॉप्टर में आए गए थे, हमने इतनी बढ़िया सड़क बनवा दी, कार काम लगे। मैंने पूछा किसी को, पत्रकार को, भाई पूछ तो लिए, दिल्ली से जिस सड़क पर चले होंगे और मेरे गांव सोलन तक जिस सड़क पर आए होंगे, हर सड़क भारतीय जनता पार्टी की संजीव बाजार की बनवाई हुई है, हर सड़क पर नाम का पत्थर है, कोई सड़क ऐसी नहीं पा सकती जिस पर नाम का पत्थर ना हो। हमें तोड़ना चाहते हैं, हमारे अपनों को भगाना चाहते हैं, हमारे अपनों को, भाई हम तो यही रहेंगे, हम लड़के भी यही रहेंगे, प्यार में भी यही रहेंगे, हमारा आपस में कोई विवाद होगा बैठ कर सुलझाएंगे, बड़े को बड़ा कहेंगे, छोटे को छोटा कहेंगे, जिसकी गलती उसे बताएंगे, कोई माफी मूफी का खाना मारा नहीं है, हमें किससे मारी क्यों मारी, हमें तो इतना ही बहुत है। कौन साजिश करता है, ये तार मेरे गांव सोरम से जुड़े हुए नहीं है, ये तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ये तार आपके भाई को अपमानित करने के तार से जुड़े हुए हैं, ये तार ऐसे हैं जो चाहते थे कि सोरम में अपमानित होकर संजीव बालियान को इस्तीफा देना पड़े, ये चाहते थे लोग, यही चाहते, मैं सच बता रहा आपको, यही चाहते थे लोग कि आ जाए दिल्ली में कि संजीव बालियान को उसके अपने गांव, उसके सरफा पंचायत के हेडक्वार्टर, उसके अपने परिवार, उसके परिवार ने धुतकार दिए, दिखाना चाहते थे लोग। भैंसवाल से शुरुआत करी, सोरम माने आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस सोरम की पवित्र चौपाल पे वो व्यक्ति जाकर खड़ा हुआ जिसका नाम विधायक जी ने लिया जोड़ा, उस सोरम के पवित्र चौपाल पे गुलाम मोहम्मद ने जोड़ा न जाने की हिम्मत की, जिसके आप हमारे भाइयों के खून से रंगे हुए हैं, अब इतनी जल्दी थोड़ी भूल लेंगे इस बात को। भाई जो चाहिए करो, 2022 आ रहा है, 2024 आ रहा है, हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे जिले का माहौल खराब ना करो, जिसकी इच्छा हो चुनाव लड़ो, लोकतंत्र में जंग के मैदान में आओ, जीतना है जीतो, जनता जनार्दन है, परमेश्वर है, जिसे आशीर्वाद देगी उसकी सरकार बनेगी। और जब चुनाव आवेगा तो पूरे प्रदेश में मोदी मोदी योगी योगी होगा, फिर इनके कब्जे में बिल्कुल नहीं आने के। हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।